वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट जल्दी से बताइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए कैसे आप सब लोग एक बार हाई लिख के भेज दो फटाफट और मेरे को बताइए कैसे हैं आप सब लोग और बड़े दिनों के बाद एंड होपफुली सबके पेपर बड़े अच्छे गए होंगे हाँ जी जल्दी से ये बता दो पेपर कैसे गए आप लोगों के फिर आगे बढ़ते अब मैं बता दो जल्दी नहीं बताओगे चलो चलो दोस्तों आज का सफर शुरू करते हैं और आ, हम लोग अब सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल टू में आ गए हैं ग्रुप वन के आ, आप लोगों ने या तो पास कर लिया है या तो आपने पेपर दे दिए हैं राइट right. अब हम ग्रुप टू में आ गए हैं और ग्रुप टू के अंदर <coughs> मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको थोड़ा सा ग्रुप टू में चार पेपर हैं दैट इज़ अगर आप मॉड्यूल टू की बात करें तो इसके अंदर चार पेपर हैं सबसे पहला जो पेपर है दैट इज एस एल सी एम SLCM बोले तो दैट इज सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट दिस द फर्स्ट पेपर दैट इज सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट फिर आपका पेपर है दैट इज दस एम फिर आपका जो पेपर है दैट इज अकाउंट्स और फिर <coughs> एक पेपर है ई बी सी एल इबीसीएल इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ तो ये चार पेपर आपके सेकंड ग्रुप के अंदर हैं और मैं आपको जो पहला पेपर पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज सिक्योरिटी लॉ एंड द कैपिटल मार्केट तो डिस्कस अबाउट दैट पेपर द सिक्योरिटी लॉ एंड द कैपिटल मार्केट और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं जो ये पेपर है जो नाम है पेपर का सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट ध्यान से सुनिएगा सेकेंड ग्रुप के अंदर दिस इज द मोस्ट 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 टेक्निकल पेपर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए दिस द मोस्ट टेक्निकल पेपर एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर मोस्ट टेक्निकल पेपर है मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर है एंड आई एम टेलिंग यू यू विल लव इट हाँ जी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको इस प्यार इस पेपर से प्यार होना स्टार्ट हो जाएगा ये yes, सब आप देखेंगे यू फॉल इन लव विद दिस पेपर दैट इज माई प्रॉमिस और टेक्निकल uh, है फुल ऑफ नॉलेज है फुल ऑफ नॉलेज है आई वुड से फुल ऑफ नॉलेज है फुल ऑफ नॉलेज यस उत्कर्ष फॉर श्योर फुल ऑफ नॉलेज है अरे रिगार्डिंग तो क्या आप एक बार जल्दी से बताइए ये जो पेपर है हाँ जी इसकी नॉलेज लेने के लिए आप तैयार है और आई एम टेलिंग यू एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ और आज फिर एक बार बोलूँगा कि बहुत डिटेल में पढ़ने पढ़ने वाले बहुत डिटेल में आपने सोचा भी नहीं होगा एंड आई एम टेलिंग यू यू बिकम एक्सपर्ट इन दिस पेपर आर गेटिंग दैट हमारा टारगेट इस पेपर में 80 प्लस मार्क्स लाना है अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर डेफिनेटली यू विल स्कोर यू विल लव दिस पेपर आई एम टेलिंग यू यस yes, और जिन जिन बच्चों ने मुझसे कंपनी लो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है ग्रुप वन के अंदर आई एम टेलिंग यू कंपनी लो के भी एक लेवल ऊपर ले जाकर आपको यहाँ पर हम सिखाएंगे गेटिंग दैट मतलब आपको ये प्रॉमिस है मेरा कंपनी लो से ज़्यादा प्यार आपको सिक्योरिटी लो से हो जाएगा दैट इज़ माई प्रॉमिस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी मुझे देख रहे हैं द मोस्ट टेक्निकल द मोस्ट इंटरेस्टिंग मोस्ट नॉलेजबल एंड इस पेपर के बेसिस और मैं आपको बता दूँ कि आप अपना करियर बना सकते हैं इस पेपर के अंदर डेफिनेटली यस yes, आप अपना करियर बना सकते हैं एंड लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं यस yes, इस पेपर के बेसिस के ऊपर इतना ज़बरदस्त पेपर है अब आप बोलोगे कि सर इतना कुछ आपने बता दिया लेकिन है क्या अब देखो धीरे धीरे समझाऊंगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं इतना टेक्निकल है तो वो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें एक एक करके सिखाएंगे ठीक है वेरी गुड मॉर्निंग एवरी मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को तो दैट इज़ <coughs> अच्छा थोड़ा सा बैच अर्ली मॉर्निंग है तो बड़े सारे बच्चे उठते नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूं और गर्मी का टाइम है तो प्लीज़ आप लोगों को जरूर जल्दी से उठना है और ये क्लास आपको लेनी है <coughs> अभी फिलहाल उत्कर्ष कह है रहा है, मैंने पढ़ाया सर कंपनी लो और फिलहाल अभी मेरा प्यार, पहला प्यार कंपनी लो ही है और उत्कर्ष आई प्रोमिस आ, पहला प्यार आपका बदलने वाला है कुछ ही दिनों में बदल जाएगा एंड आपका पहला प्यार सिक्योरिटी लो हो जाएगा दैट इज़ माई प्रोमिस उत्कर्ष ठीक है चलो देखते हैं देखते हैं <coughs> और मुझे और कई सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा व पेपर इज़ ऑल अबाउट पेपर में क्या है क्यों है किस लिए है लेकिन बहुत मज़ा आएगा यार और मैं आपको बता दूँ फाइनल के अंदर भी ये पेपर आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा और एक चीज़ और बता दूँ इस पेपर के अंदर प्रॉब्लम क्या है आप समझो मेरी बात को ध्यान से वट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस पेपर लोग इस पेपर के अंदर पढ़ लेते हैं कोर्स खत्म कर लेते हैं लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं लेकिन इस पेपर के नहीं समझते हैं।, याद का पेपर concepts. अगर concepts आते हैं तो आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते सिर्फ और सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़ा हुआ है जो लोग करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इट इज यूजलेस कोई फायदा ही नहीं है इसके अंदर सारा का सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और एम टेलिंग यू अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग है तभी आप इस पेपर के अंदर आप आगे बढ़ पाएंगे अदरवाइज नहीं दैट एक, एक चीज और बता दूं मैं इस पेपर को आगे बढ़ाने से पहले इस पेपर के अंदर हम आपको ट्रेडिंग करना भी सिखाएंगे यस बिल्कुल सही सुना आपने हम आपको लाइव ट्रेडिंग भी करना सिखाएंगे इस पेपर के अंदर विट डेफिनेटली हम लोग आपको लाइव ट्रेडिंग भी सिखाएंगे और आपको ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कई बार बच्चा पूछता है क्या सर हमें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या स्टूडेंट शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इसके ऊपर भी बात करेंगे तो लाइव ट्रेडिंग सिखाएंगे और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ अगर आप चाहें अभी नहीं अभी आप मेरे मतलब पीछे मत पढ़ना लेकिन कुछ कुछ क्लासेस के बाद कुछ क्लासेस के बाद अगर आप चाहें तो Uh, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको डिटेल बता दूंगा मैं आपका फ्री डीमेट अकाउंट भी खुलवा दूंगा फ्री डीमेट अकाउंट आपको कुछ पैसे नहीं देने और मैं आपको बता दूं विद जीरो बैलेंस आपको कुछ मेंटेन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी विद अ जीरो बैलेंस इज इट ओके तो फ्री डीमेट अकाउंट आपका खुलवा दूंगा जो जो बच्चे चाहते हैं फ्री डीमेट अकाउंट आपका खुलवा दूंगा और जीरो बैलेंस अकाउंट होगा आपको कुछ मेंटेन भी नहीं करना है गेटिंग दैट लाइव ट्रेडिंग करवाना सिखा दूंगा आपको और आपके सामने हाँ जी मैं भी शेयर खरीदूंगा आप भी शेयर खरीदिएगा एंड डेफिनेटली लेकिन डिस्कस करेंगे लेटर ऑन अभी तो पहली क्लास है अभी तो मुझे कुछ बेसिक चीज़ें बताने हैं आपको लेकिन आगे आगे के लिए डेफिनेटली हम लोग आपका डीमेट अकाउंट खुलवा देंगे और आपके घर पर बैठे बैठे आपका अकाउंट खुल जाएगा आपको कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जीरो बैलेंस अकाउंट होगा कुछ करने की जोत नहीं है इज इट ओके समझ में आ रही है बात डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू बी और प्रैक्टिकली सीखेंगे आरिगन स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट ऐसे ऐसे कॉर कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको बता दूं सर सिक्योरिटी लो के अंदर ऐसे कॉर कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर हमने कई सालों तक रिसर्च की है और वो जो अब आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ना हम सिक्योरिटी लो कैपिटल मार्केट के अंदर वो आप ये मान के चलिए कि आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ फिफ्टीन ईयर्स तो मैं आपको अपना पंद्रह साल का एक्सपीरियंस जो निचोड है वो देने वाला हूँ आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो रिसर्च की हुई है वो आपको बताने वाला हूं तो बड़ा बड़ा ही एक्साइटेड होने वाला है एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत सारी चीजें नई चीजें जो आपने शायद आज तक कभी सुनी भी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात जो पढ़ाएंगे आपको विद लॉजिक विद रीजनिंग कुछ ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर हम आपको लॉजिक नहीं बताएंगे रीजनिंग नहीं बताएंगे हर चीज बताऊंगा विद द लॉजिक विद द रीजनिंग हैव यू अंडरस्टैंड मा पॉइंट तो दैट इज समथिंग एक छोटा सा पेपर सिक्योरिटी लो बट काम का पेपर और डीमेट अकाउंट वगैरह के लिए बाद में डिस्कशन करेंगे मैं आपको खुद बताऊंगा तो दैट इज समथिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट और कितने मार्क्स का पेपर है डू यू नो दैट सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट कितना कितने मार्क्स का पेपर है पता है आप लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग हरिओम कितने मार्क्स का पेपर है तो आई वुड से आपको पता ही है सारे पेपर सौ नंबर के ही होते हैं हाँ जी हर पेपर सौ नंबर का ही होता है सी के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के अंदर सौ so नंबर का पेपर है Is that okay? अब एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा अब पेपर की शुरुआत कर रहे हैं ध्यान से सुन हाँ जी, हमारी क्लास का एक रूल है आप लोग एक पाँच सौ पेज का रजिस्टर बनाएंगे ध्यान से सुन लेना रजिस्टर रफ रजिस्टर नहीं लेना कहीं चालीस पचास रुपए का हल्का फुल्का रजिस्टर लिया हो बढ़िया रजिस्टर लेकर आना है क्लासमेट का लेकर आना है पांच सौ पेज का बढ़िया रजिस्टर लेकर आना है जिसके पन्ने बड़े अच्छे हों स्ट्रॉन्ग पन्ने स्ट्रॉन्ग पेजेस हो

और रजिस्टर मेंटेन ना करें ये गलत होगा इज इट ओके विद यू बात समझ में आ गई है अच्छा जी आज क्या पता आपके पास रजिस्टर ना हो तो आप रफ लिख लीजिएगा लेकिन आज शाम को फिर रजिस्टर खरीद लेना और पूरा का पूरा जो आज लिखवाऊंगा और जो पढ़ाऊंगा वो आपको लिखना है क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको तो दैट इज वन सिंगल रूल एंड एक चीज और याद रखिएगा कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा हाँ जी ये जो क्लास मिस हाँ जी करने की जो बच्चों की आदत है सी एस एग्जीक्यूटिव में फाइनल वाले तो बेचारे करते ही नहीं है समझदार हो जाते हैं लेकिन एग्जी वालों को थोड़ी सी ज्यादा हवा लगी रहती है तो प्लीज इट्स इट्स माई रिक्वेस्ट एंड इट्स माई ऑर्डर आप लोग क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे एट एनी कोर्स कुछ भी हो जाए कोई क्लास मिस नहीं करेगा गेटिंग फ्लो खराब हो जाता है यार फ्लो फ्लो खराब हो जाता है बात समझ में आ रही है आप लोगों को तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे तो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी चलिए सर शुरू करते हैं द अमेजिंग पेपर लिखना शुरू करेंगे और आपको मैं सब कुछ धीरे धीरे करके समझाने जा रहा हूं ठीक है सो so नंबर का पेपर है सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल टू और पेपर का नाम है सिक्योरिटी लो एंड कैपिटल मार्केट बच्चों ये दो पार्ट में डिवाइड है ये जो पेपर है दो पार्ट में डिवाइड है वन सब कुछ लिखना है भाई सिक्योरिटी लॉस थैंक यू उत्कर्ष पहला पहला जो पोर्शन है इसमें है सिक्योरिटी लो और जो दूसरा पोर्शन है दैट इज कैपिटल मार्केट दैट इज अ सिक्योरिटी लो एंड कैपिटल मार्केट बड़े ध्यान से सुनिएगा बड़ा बेसिक बताऊंगा आज आपको हाँ जी पेपर का नाम समझ लो पहले सो नंबर का पेपर है और पेपर का नाम क्या है सिक्योरिटी लॉस। देखो क्या लिखा है सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट यानी इस पेपर में दो बाईफर्केशन है सिक्योरिटी लो एंड कैपिटल मार्केट और जो सिक्योरिटी लो है ये सेवेंटी मार्क्स का है ये सेवेंटी मार्क्स का है और दैट और जो ये कैपिटल मार्केट है ये थर्टी मार्क्स का है तो टोटल आप मुझे बता दो कितने मार्क्स का हो गया टोटल सौ नंबर का हो गया हंड्रेड मार्क्स का पेपर हो गया आपको कोशिश करनी है इस सिक्योरिटी लो में दैट इज इस सेवेंटी मार्क्स में से आपके पचपन नंबर आ जाए साठ नंबर आ जाए और यहाँ पे आपके थर्टी मार्क्स में से बीस पच्चीस नंबर आ जाए तो अपना वो अस्सी पचासी वाला टारगेट पूरा हो जाएगा तो दैट इज समथिंग सिक्योरिटी लोज द कैपिटल मार्केट दैट इज अ अकेशन इज इट ओके विद यू अब आप बोलेंगे सर ये पेपर का नाम मैंने लिखवा दिया है ठीक है अब हम थोड़ी देर डिस्कश डिस्कशन करेंगे आपके साथ कुछ 10-15 मिनट कि पेपर का नाम क्या है वट इज़ द नेम ऑफ दिस पेपर ये पेपर का नाम ऐसा क्यों है सिक्योरिटी लॉ सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट ये क्यों है पेपर का नाम ऐसा क्यों पड़ा है क्या आपको आप मुझे बताओ कुछ भी पढ़ने से पहले चैप्टर पढ़ने से पहले क्या आपको पेपर का नाम नहीं पता होना चाहिए पेपर का नाम क्या है क्यों है किस लिए मुझे बताओ ये पता होना एक बार यस लिख के बताओ हाँ या ना

कॉन्सेप्ट लिखिएगा समझिएगा पेपर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर समझा रहा हूँ है क्या अच्छा आपने एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन में जब कंपनी लो पढ़ा था तो आपने उसमें पढ़ा था कि जो कंपनी होती है कंपनी कंपनी होती है वो बनती कैसे है कि आपने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कि कंपनी बनती कैसे है? इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है उसके अंदर डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं उसकी मीटिंग कैसी होती है क्या पूरा कंपनी लो में यही तो पढ़ा आपने कंपनी बनेगी कैसे आप मुझे बताओ कितने प्रकार की कंपनी होती है कंपनी में डायरेक्टर कौन होते हैं आप मुझे बताओ जनरल मीटिंग कैसे होगी बोर्ड मीटिंग कैसे होगी के कैसे अपॉइंट होंगे क्या यही सारा ड्रामा आपने कंपनी में पढ़ा या नहीं पढ़ा कंपनी लो में यही तो चीज़ें पढ़ी थी अब एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं अब ध्यान से सुनेगा क्या कंपनी को चलने के लिए कंपनी को बेटा चलाने के लिए क्या कंपनी बिजनेस करती है मुझे बताओ क्या बेटा कंपनी बिजनेस करती है हाँ या ना आंसर इज यस कंपनी बिजनेस करती है आप मुझे बताओ क्या कंपनी बिजनेस करती है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मेरी क्लास में मुझे मुझे इंट्रैक्शन चाहिए जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आपको मुझे बताना है मुझे बताओ क्या कंपनी बिजनेस करती है यस yes. मेरे सवाल मेरे सवाल का जवाब दो बिज़नेस करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए बस मुझे बता दो बिजनेस करने के लिए बेटा कंपनी को क्या चाहिए मेरे सवालों का जवाब दो दो ना हाँ जी कंपनी को बिजनेस करना है बिजनेस करने के लिए कंपनी को किस चीज की, की जरूरत है सारे बच्चे जवाब देंगे जी कंपनी को बेटा बिजनेस किस चीज की जरूरत है जरूरत है फाइनेंस की जरूरत है कैपिटल की जरूरत है गलत तो नहीं कह रहा हूँ फाइनेंस की जरूरत है कैपिटल की जरूरत है हाँ या ना बिना पैसे बिजनेस होगा क्या ओ भाई बिना पैसे बिजनेस हो सकता है क्या नो no. सर हर कंपनी को पैसे गया अरे टाटा हो या अंबानी हो या अदानी हो पैसा तो हर चीज़ हर चीज़ की ज़रूरत है हर आदमी की ज़रूरत है पैसा आप मुझे बताओ अगर पैसा नहीं तो क्या बिजनेस हो सकता है क्या नो no. अब ये कंपनी बन गई मान लीजिएगा एक्स लिमिटेड दोस्तों अब मेरा सवाल है अब अगर इस कंपनी को बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए बेटा पैसा चाहिए कैपिटल चाहिए तो ये कंपनी क्या पैसा रेस कर सकती है क्या कैपिटल रेस कर सकती है बोलो हाँ या ना बोलो हाँ या ना अरे कंपनी लो पढ़ा होगा तुमने बचपन में क्या ये कंपनी कैपिटल रेस कर सकती है हाँ या ना क्या ये कंपनी फंड्स रेस कर सकती है हां या ना क्या बेटा ये कंपनी फंड रेज कर सकती है मैं पूछना चाह रहा हूँ जनता से आज बोलो हाँ या ना यस सर ये कंपनी पैसा रेज कर सकती है कंपनी फंड रेज कर सकती है अब मेरा सवाल है बेटा अगर ये कंपनी कैपिटल रेज करेगी फंड रेज करेगी तो ये कैपिटल कैसे रेज करेगी क्या आप मुझे बताओ ये इक्विटी शेयर इशू करके पैसा रेज कर सकती है आप मुझे बताओ दोस्तों मैं जानना चाह रहा हूँ आज आपसे आज आपको बताना पड़ेगा आज आपको अपनी बात मेरे सामने रखनी पड़ेगी क्या ये कंपनी बेटा प्रिफ्रेंस शेयर इशू करके पैसा रेस कर सकती है क्या ये आप मुझे बताओ बेटा डिबेंचर करके पैसा रेस कर सकती है हाँ या ना यस। एक कंपनी अलग अलग तरीके से पैसा रेस कर सकती है कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है प्रिफ्रेंस शेयर इशू कर सकती है डिबेंचर इशू कर सकती है अच्छा क्या मैं इन सब चीजों को मुझे बताऊ कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके कैपिटल रेस कर सकती है गेटिंग प्रिफ्रेंस शेयर इशू करके कंपनी कैपिटल रेस कर सकती है डिबेंचर इशू करके कंपनी कैपिटल रेस कर सकती है बोलो बच्चों हाँ या ना हाँ जी क्या और अदर सिक्योरिटी और बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ कंपनी और भी कुछ सिक्योरिटीज़ को जो आगे चल के हम बात करेंगे बॉन्स वटेवर और भी सिक्योरिटी को इशू करके क्या आप मुझे बताओ फंड्स रेस कर सकती है हाँ या ना फंड्स रेस कर सकती है आप मुझे बताओ जल्दी से बताओ क्या फ़ंड्स रेस कर सकती है और क्या एक तरीका है फ़ंड्स रेस करने का या बड़े सारे तरीके हैं बड़े सारे तरीके हैं यस yes? तो सर जब भी कोई कंपनी ध्यान से सुनिएगा जब भी कोई कंपनी अलग अलग सिक्योरिटी को इशू करके हाँ जी जब भी बेटा कोई कंपनी ध्यान से सुने मेरी बात जब भी कोई कंपनी जब भी कोई कंपनी अलग अलग सिक्योरिटीज़ को इशू करके अलग अलग सिक्योरिटी को इशू करके फंड रेस करती है या कैपिटल रेस करती है सुनो मेरी बात को फंड रेस करती है या बेटा कैपिटल रेस करती है इसी चीज को नाम दिया जाता है कैपिटल मार्केट इसी चीज को नाम दिया जाता है क्या कैपिटल मार्केट अलग अलग सिक्योरिटी को इश्यू करना अलग अलग लोगों को सिक्योरिटी इशू करना इक्विटी शेयर इशू करना इशू करना डिबेंचर इशू करना तो बेटा जब कंपनी ये अलग अलग सिक्योरिटी लोगों को इशू करती है इक्विटी शेयर इशू करती है तो इसी को नाम दिया जाता है बोलो क्या कैपिटल कैपिटल मार्केट मार्केट दैट इज कॉल्ड द आर यू गेटिंग वैसे हम कैपिटल मार्केट के बारे में अभी आगे और बहुत पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल मार्केट होती है कैपिटल मार्केट होती है फिर कॉमोडिटी मार्केट होती है फिर दैट इज सिक्योरिटी मार्केट होती है बड़ी सारी बातें प्राइमरी मार्केट होती है second, बहुत सारी बातें हैं अभी उस लेवल

बहुत डिस्कस करेंगे अभी मार्केट के ऊपर लेकिन जो अभी थोड़ा सा बताया है इंट्रोडक्शन के लिए ये सब अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे अभी मुझे बस पेपर का इंट्रोडक्शन बताना है मुझे बताओ क्या कैपिटल मार्केट का मतलब समझ में आ रहा है जल्दी से एवरीबडी प्लीज 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 कम ऑन जब कोई कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है अब आप मुझे बताओ <coughs> रिलायंस ने शेयर इशू कर दिया और पैसा रेस कर लिया दैट इज कॉल्ड व्हाट द कैपिटल मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जब मार्केट में गई और इन्वेस्टर को बोला हमारे शेयर खरीद लो दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट आर यू गेटिंग दैट पॉइंट क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी क्या मेरी बात समझ में आ रही है जल्दी से बताओ हाँ या ना येस yes, लिख के बताओ बेटा जल्दी से येस yes, लिख के बताओ हैव यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट को एक नाम और दिया जाता है कैपिटल मार्केट को बेटा एक नाम और दिया जाता है लिखना सिक्योरिटी मार्केट कैपिटल मार्केट को एक नाम और दे दिया जाता है दैट इज अ सिक्योरिटीज मार्केट वैसे डिस्कशन हम बाद में करेंगे लेटर ऑन क्या मतलब होता है आर गेटिंग दैट मुझे बताओ क्या बात समझ में आ रही है जब व्हाट इज द नेम ऑफ द पेपर सिक्योरिटी लॉस इन द कैपिटल मार्केट जब कंपनी बड़ी सारी सिक्योरिटी इशू करती है मार्केट के अंदर अब आप मुझे बताओ एल का आईपीओ आया हाँ जी नायका का आई आया पब्लिक इशू आया आप मुझे बताओ पेटीएम का पब्लिक इशू आया इन लोगों ने मार्केट में मार्केट में गए पब्लिक को शेयर दिए और पब्लिक से पैसा रेज कर लिया इसी चीज़ को क्या नाम दिया जाता है दिस इज़ कॉल्ड वर्थ कैपिटल मार्केट जहां पर कंपनी पैसा रेज करती है सिक्योरिटी इशू करके उसी को क्या नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड वर्थ द कैपिटल मार्केट मेरा सवाल यह है कोई अगर आपसे पूछे एल ने पैसा कहां से रेज किया तो आप क्या बोलोगे एल आईसी रेज मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट क्या बात समझ में आ रही है लोगों से सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज करने को ही क्या नाम दिया जाता है बोलो बोलो कैपिटल मार्केट मेरी बात समझ में आ रही है एक बार यस लिख के बताओ बेटा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा वर्ड बाय वर्ड आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी चाहिए किताबों में जो मैं बताऊंगा वही लिखा होगा क्या बात समझ में आ रही है अगर मैं पूछूं आपसे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने पैसा कहां से रेस किया तो क्या बोलोगे कैपिटल मार्केट व्हाट इज कैपिटल मार्केट जहां से तुम पैसा रेस करते हो सिक्योरिटी इशू करके अरे इक्विटी इशू करके बॉन्ड इशू करके डिबेंचर इशू करके शेयर इशू करके उसी को क्या नाम दिया जाता है बोलो कैपिटल मार्केट दैट इज कॉल्ड व्हाट द कैपिटल मार्केट क्या पेपर का नाम समझ में आ रहा है सिक्योरिटी लॉज अभी डिस्कस करेंगे क्या ये वाला नाम समझ में आ रहा है सिक्योरिटी लॉज इन द कैपिटल मार्केट इज इट ओके विद यू हैव यू अंडरस्टैंड ऑफ कैपिटल मार्केट कितने नंबर का कैपिटल मार्केट बहुत डिस्कशन करना है कैपिटल मार्केट क्या होती है इस इट तो ओके अच्छी एक बताओ अब मेरा एक सवाल है अब मेरा एक सवाल है सुनिएगा <coughs> अब ये कंपनी एक्स लिमिटेड है अब ये कंपनी बेटा एक्स लिमिटेड है अब इसको फंड की जरूरत है इसे कैपिटल की जरूरत है इसे कैपिटल की जरूरत है बेटा इसे फंड की जरूरत है मेरी बात को समझो जरा अब आप मुझे बताओ ये कंपनी पैसा रेज करना है और इसने क्या किया ये कह रही है हम पब्लिक को शेयर इशू करेंगे ये क्या कह रही हम पब्लिक को इक्विटी शेयर इशू करेंगे इक्विटी शेयर बेटा इक्विटी शेयर अच्छा एक बात बताओ क्या इक्विटी शेयर इज अ सिक्योरिटी क्या इक्विटी शेयर इज अ सिक्योरिटी यस तो कंपनी कह रही है हम पब्लिक को इक्विटी शेयर इशू करेंगे और पब्लिक हमें फंड्स देगी पब्लिक हमें क्या देगी फंड्स देगी। पब्लिक हमें क्या देगी कैपिटल देगी आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ कंपनी पब्लिक से पैसा रेस कर रही है बाई द सिक्योरिटी इसी चीज को क्या नाम दिया जाएगा बोलो जरा एक बार आखिरी बार बोलो जरा प्लीज इसी चीज को बेटा नाम दिया जाता है कैपिटल मार्केट क्या बात समझ में आ रही है इसी को कैपिटल मार्केट बोला जाएगा इसी को क्या बोला जाएगा दिस इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट पैसा रेज करना गे गे गे? और नाम का एक दूसरा से सिक्योरिटी मार्केट इज मार्केट वेयर कंपनी इशू सिक्योरिटी एंड रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट क्या बात समझ में आ रही है क्या मेरी बात समझ में आ रही है हाँ या ना इज इट ओके विद यू इज इट ओके विद यू बोलो 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 इज इट ओके विद ना अच्छा एक बात बताओ अब बेटा मेरा एक सवाल है कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है पब्लिक को कंपनी क्या इशू कर रही है बेटा सिक्योरिटी इशू कर रही है क्या इशू कर रही है बेटा सिक्योरिटी इशू कर रही है इक्विटी शेयर इशू कर रही है पब्लिक को इशू कर रही है हाँ या ना क्या मैं बोलूँ कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटी इशू कर रही है दैट इज अ कैपिटल मार्केट लेकिन मुझे बताओ जल्दी से सिक्योरिटी इशू करते वक्त सिक्योरिटी जब आप इशू करोगे तो मेरा सवाल है जब कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करोगे चलो एक काम करते हैं चलो सुनो ध्यान से देखो कितना मजा आएगा बेटा मजा तो तब है जब टीचर बोले ना और तुम्हें समझ में आ जाए बोलो हाँ या ना मुझे बताओ इस चीज में कितना मजा आएगा बोलो हाँ या ना ट्राई करते हैं पहली क्लास के पंद्रह मिनट हुए ट्राई करते हैं क्या आप इतना समझ जाओगे मेरे साथ देखते हैं टीचर समझाए समझ में आ जाए ठीक है लेकिन टीचर बोले ना और फिर भी समझ में आ जाए दैट इज आउटस्टैंडिंग व्हाट यू आउट स्टैंडिंग आय जी वैसे आने वाली क्लासेस में ऐसा हो जाएगा बट आज की पहली क्लास में ही पंद्रह मिनटों में मैं करके देखना चाहता हूँ हाँ जी देखते हैं कोई मेरे सवाल का जवाब दो लेट्स सी क्या आप कर पाएंगे इसको आज हाँ जी अब आप मुझे बताओ कंपनी अगर इक्विटी शेयर सिक्योरिटी पब्लिक को इशू कर रहे हैं दैट इज अ कैपिटल मार्केट कंपनी कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर रही है पैसा रेस कर रही है लेकिन जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी सिक्योरिटी इशू करेगी मुझे बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है मैं क्या बोलूँ यहाँ पे अगर कंपनी बेटा यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू करेगी हाँ जी सोच के देखिए तो मुझे बताओ इक्विटी शेयर अगर इशू करेगी सिक्योरिटी इशू करेगी टू रेज द फाइनेंस तो क्या ये अपने आप इशू हो जाएगी या यहाँ पे कोई लीगल प्रोविजन लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए मुझे बताओ मुझे बताओ कोई लीगल प्रोविज़न लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए मैं पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ पे कुछ लो एप्लीकेबल होने चाहिए नहीं होने चाहिए बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ वैन कंपनी इशू शेयर टू द पब्लिक वैन कंपनी इशू सिक्योरिटी टू द पब्लिक मुझे बताओ

हाँ जी ये सब बता दूंगा डिटेल में टेंशन मतलब लिखते ले लिखते रहना लिखते रहना सर लिखते रहना डिपोजिटरीज एक्ट लगेगा दोस्तों डिपोजिटरीज एक्ट एस सी आर एक्ट लिखते रहो सर लिखते रहो एस सी आर एक्ट लिखते रहिए दोस्तों सेबी एक्ट लिखते रहो दोस्तों लिखते रहो आर एग इंग और सुनिएगा और बहुत सारी सेबी की रेगुलेशन और अब मैं सेबी के रेगुलेशन के नाम नहीं लिखाऊंगा क्योंकि नाम लिखवाने बैठ गया तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और बहुत सारी सेबी के रेगुलेशन जैसे एल रेगुलेशन है जैसे बेटा आई रेगुलेशन है जैसे बेटा टेक ओवर रेगुलेशन है जैसे बेटा इनसाइडर रेगुलेशन है और मैं आपको बता दूँ पता नहीं क्या क्या है गेटिंग दैट तो सर जब तुम सिक्योरिटी इशू करोगे ना मार्केट में वेन यू इशू सिक्योरिटी इन द मार्केट तो इन दैट वेरी केस ये बड़े सारे लो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे और बेटा इन्हीं लो को क्या नाम दिया जाएगा दैट इज दिक्योरिटी लॉस सिक्योरिटी लॉस क्या मेरी बात समझ में आ रही है वेन यू इशू सिक्योरिटी इन द मार्केट तो सर नंबर ऑफ लॉस विल अप्लाई और उन्हीं लॉस को क्या नाम दिया जाएगा द सिक्योरिटी लॉस आर यू गेटिंग दैट इज हम नेम ऑफ द क्या थोड़ा सा मैंने बताया क्या थोड़ा सा मैंने बताया समझ में आ रहा है जल्दी बताओ सर क्या पेपर का नाम समझ में आ रहा है सिक्योरिटी लॉस इन द कैपिटल मार्केट क्या ये सो नंबर का पेपर की हैडिंग समझ में आ रही है एवरीबडी

अभी तो मैंने शुरू किया है इट इज जस्ट अबिंग ने जल्दी बताओ पेपर का नाम क्या था जल्दी बताइए अच्छा एक बात बताओ लिख लिया सबने पेपर का नाम क्या था एक बार दोबारा पेपर का नाम दोबारा लिखेंगे सारे के सारे लिखेंगे पेपर का नाम लिखेगा सिक्योरिटी लॉस

तो कंपनी जब पैसा रेज करेगी आप मुझे बताओ जब बेटा कंपनी पैसा रेज करेगी तो सिक्योरिटी इशू करेगी सिक्योरिटी इशू करेगी और सिक्योरिटी इशू करके आप मुझे बताओ पब्लिक से पैसा रेज करेगी गेटिंग दैट तो सर इसी कॉन्सेप्ट को क्या नाम दे दिया जाता है कैपिटल मार्केट और कैपिटल नाम मार्केट का एक नाम और क्या बताया मैंने सिक्योरिटी मार्केट क्योंकि तुम सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेस कर रहे हो ना यार तो दैट इज कॉल्ड द कैपिटल मार्केट और 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 ये सिक्योरिटी इशू करने में क्या दुनिया भर के लॉस एप्लीकेबल होंगे उन्हीं लॉस को क्या नाम दिया जाएगा सिक्योरिटी लॉस उन्हीं लॉस को क्या नाम दिया जाएगा द सिक्योरिटी लॉस तो दैट इज सिक्योरिटी लॉस इन द कैपिटल मार्केट आर गेटिंग दैट यानी मुझे ये बताओ इस पेपर में आप क्या पढ़ने वाले हो इस पेपर में बेटा अब मैं समझा रहा हूं तो मैं अब ध्यान से सुनिएगा इस पेपर में तुम कैसे क्या पढ़ रहे हो ध्यान से सुनिएगा इस पेपर में तुम क्या पढ़ोगे इस पेपर का नाम एस एल सी एम सिक्योरिटी लो कैपिटल मार्केट मैं देखता हूं कई बार कई लोगों के डेमो क्लास भी देखता हूं मैं <coughs> तो कई लोग क्या करते हैं बच्चे को पेपर का नाम तक नहीं बताते हो चैप्टर स्टार्ट हो जाता है मुझे ये समझ में नहीं आता बच्चा सीखेगा क्या बच्चे को समझ में क्या आएगा तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब तक इफ यू डोंट नो अबाउट द पेपर आपको पेपर का नाम ही नहीं पता हाउ यू आर स्टार्टिंग द चैप्टर तो पेपर का नाम सिक्योरिटी लो एंड कैपिटल मार्केट है इस पेपर के अंदर हम आपको प्रैक्टिकली क्या सिखाएंगे कि जो कंपनी होती है कंपनी होती है वो इक्विटी शेयर कैसे इशू करेगी वो बेटा प्रिफ्रेंस शेयर कैसे इशू करेगी वो बेटा डिबेंचर कैसे इशू करेगी रिगार्डिंग दैट वो डिबेंचर कैसे इशू करेगी वो बेटा वेरियस काइंड ऑफ बॉन्ड्स कैसे इशू करेगी और वो अदर सिक्योरिटीज कैसे इशू करेगी और इनको इन सिक्योरिटी को इशू करने का प्रोसेस क्या है ये सिक्योरिटी पब्लिक को कैसे इशू होंगी पब्लिक को कैसे शेयर इशू करोगे तुम पब्लिक को अब तुमने ये तो बोल दिया आईपीओ आया एल का तुमने ये तो बोल दिया नायका का आईपीओ आया अबे भाई ये भी तो बता दो नायका आईपीओ लेकर कैसे आया क्या लीगल प्रोविजन थे क्या प्रोसेस था क्या तुम्हें आना चाहिए क्या एक कंपनी सेक्रेटरी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आप मुझे बताओ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तो सर ये पूरा प्रोसेस आप पढ़ेंगे कि सर ये कैसे कंपनी इशू लेकर आती है कैसे कंपनी शेयर सिक्योरिटी इशू करती है पैसा कैसे रेस करती है और इसके ऊपर कैसे कैसे कौन कौन से सिक्योरिटी लॉज लगते हैं कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं यही आपको पढ़ना है आप मुझे बताओ जल्दी से आप मुझे बताओ जल्दी से तुम एक कंपनी एक्स लिमिटेड में काम करने के लिए चले गए एज अ कंपनी सेक्रेटरी और भाई सुनो मेरी बात तुम कंपनी सेक्रेटरी बन गए अब तुम इस कंपनी में काम करने के लिए चले गए <coughs> अब ये कंपनी कह रही है हम तो पब्लिक इशू लाएंगे हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे हम आईपीओ लेकर आएंगे अब आप मुझे बताओ आईपीओ लेकर आएंगे तो डियर कंपनी सेक्रेटरी आपको तो पता ही होना चाहिए ना आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है आई कैसे आता है पब्लिक इशू कैसे आता है कौन कौन से लो एप्लीकेबल होंगे सिक्योरिटी लो कैसे लगेंगे आप मुझे बताओ ये नहीं पता होगा इस पेपर की नॉलेज नहीं होगी कैन यू सर्वाइव इन द कंपनी आप मुझे बताओ यू एबल टू सर्वाइव इन द कंपनी हाँ या ना यू एबल टू सर्वाइव इन द कंपनी बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं हाँ या ना क्या आप कंपनी में सर्वाइव कर पाएंगे क्या नो no, सर बात समझ में आ रही है <coughs> अब सुनो जरा ध्यान से अब ध्यान से सुन लो मेरी बात जरा <coughs> लिखिएगा आपके जिंदगी में दो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हैं एक पेपर का नाम है बेटा कंपनी लो समझो बात को एक पेपर का नाम है कंपनी लो एक पेपर का नाम है एस दोनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आर यू गेटिंग दैट कंपनी लो में आपने क्या पढ़ा कि कंपनी बनाई कैसे जाती है इनकॉर्पोरेट कैसे होगी कंपनी की मीटिंग कैसे होंगी बेटा लिखना है एक एक शब्द कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे होंगे आ गेटिंग दैट कंपनी के कंपनी चार्ज कैसे क्रिएट करेगी कंपनी डिविडेंड कैसे देगी आप मुझे बताओ कंपनी के बारे में एटसेट्रा एटसेट्रा बड़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली That. फिर आपने अगर आपको याद हो आपने ये भी तो पढ़ा था इफ़ यू रिम्बर दैट शेयर कैपिटल का चैप्टर भी पढ़ा होगा आपने उसमें ये भी तो पढ़ा कि कंपनी कितने तरीके से शेयर इशू कर सकती है इक्विटी शेयर होता है प्रिफरेंस शेयर होता है कितने तरीके से तो बड़ी सारी चीज़ें आपने कंपनी लो में पढ़ी लेकिन क्या मैं बोलूँ अब ये एक एडवांस वर्जन है कंपनी लो में सारा बेसिक पढ़ लिया अब ये एडवांस वर्जन है कि अग, अब अब कंपनी बन चुकी है और कंपनी अब फंड्स रेस करना चाहती है पब्लिक से और अलग अलग सिक्योरिटी तो इन चीजों को इशू करने का प्रोसेस क्या होगा एंड इन इनके ऊपर लॉस कौन एप्लीकेबल होंगे ये सारी चीजें आपको इस हंड्रेड मार्क्स के पेपर में सिखाई जाएगी मेरी बात समझ में आ रही है एंड दैट इज समथिंग कोर्ड इसलिए इस पेपर का नाम क्या रखा सिक्योरिटी लॉज एंड द कैपिटल मार्केट एक बार लास्ट टाइम कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फ्रॉम वेयर कंपनी रेस बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट का एक नाम और रखा जाता है दैट इज अ सिक्योरिटी मार्केट तो दैट इज अ कैपिटल मार्केट और जब कैपिटल मार्केट में तुम सिक्योरिटी इशू करते हो तो उसके कुछ लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं जिसको क्या नाम दिया जाता है सिक्योरिटी लॉज तो दैट इज नेम ऑफ द पेपर सिक्योरिटी लॉज द कैपिटल मार्केट हंड्रेड मार्क्स का पेपर है तुम्हें नंबर लाने अस्सी बात खत्म हो गई जल्दी से एक बार येस करके बता दो क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है दैट इज नेम ऑफ द पेपर मेरी तरफ से खत्म हो गया हाँ जी मैंने अभी तक कोई लीगल प्रोविजन नहीं पढ़ाया और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ आपको अगर याद हो कैपिटल मार्केट के अंदर बड़ी सारी चीज़ें डिस्कशन करनी है मैं अभी आपको लेटर ऑन बताऊंगा फाइनेंशियल मार्केट होती है कैपिटल मार्केट होती है कॉमोडिटी मार्केट होती है मनी मार्केट होती है प्राइमरी मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट बड़ी सारी बातें हैं अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है अभी मैंने पेपर का नाम बताया जल्दी से बता दो किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी बोलो भाई जल्दी बताइए क्या इतनी कहानी समझ में आ रही है नेम ऑफ द पेपर हाँ जी आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे में मैंने सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश की कि पेपर का नाम क्या है अबे बोल दो डफरो कुछ तो बोल दो अबे कुछ तो बोल दो वीडियो लाइक तो कर दो डफरो ऐसे करोगे तुम अब इज इट क्लियर टू एवरी वन नाम पेपर का क्या क्लियर है ये सब नो बस ये बता दो मुझे हैव यू अंडरस्टैंड दैट इज इट ओके चलिए बड़ी अच्छी बात है लिखो सर अब ये पेपर का नाम आपने पढ़ लिया है पेपर का नाम आपको समझ में आ गया है। अब आपको ये पता चल गया इस पेपर में पढ़ना क्या कि सिक्योरिटीज कैसे और इतना मैं बता रहा हूँ इतनी सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी डेफिनेटली आप लोग इसको मजा आएगा आप लोगों को मैं आपको बताना चाह रहा यू लिटरली तुम्हारे दिल में आए वो पूछना सर कोई पूछने पे कोई रोक टोक नहीं हमारी क्लास में जो तुम्हारा दिल करे वो पूछिए कोई टेंशन मत लीजिए और मैं आपको बता दू हम आपको इस पेपर में एक आखिरी चीज सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले इस पेपर में मैं आपको पूरी अपनी बुक करवाऊंगा पूरा स्कैनर करवाऊंगा आपके बार भी स्कैनर सिक्योरिटी लोग का करवाया था और पूरा का पूरा इसे मॉड्यूल करवाऊँगा ये सारी चीजें हम आपको करवाएंगे प्लस रिविजन ऑन लाइव ऑन यूट्यूब तो ये चार चीजें आपको करवाएंगे प्लस टेस्ट ये पांच चीजें मैं आपको करवाने वाला हूँ यस हरिओम 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 जय हरिओम ज़ोर से बोलो हरिओम बिल्कुल हरिओम बिल्कुल सही कह रहे हरिओम बच्चे का नाम ही हरिओम है बताओ कितना बढ़िया नाम है सुबह सुबह ले हरी का नाम हरी आएंगे तेरे काम बोलो हरिओम चलो ठीक है दोस्तों चलो क्या पेपर का नाम समझ में आया ना अब सुनिए ध्यान से अब ये पेपर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई स्ट्रॉगली बिलीव यू शुड नो सम कॉन्सेप्ट्स तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट सीखिएगा और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इज इट ओके चलो सर लिखेगा कॉन्सेप्ट नंबर वन ऐसे लिखना शुरू कर दो कॉन्सेप्ट नंबर वन लिखो प्लीज कॉन्सेप्ट नंबर वन बता रहा <coughs> लिखे लिखेगा सबसे पहले लिखेगा लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज पहला कॉन्सेप्ट लिखेगा लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज द फर्स्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ध्यान से सुनो हमारे देश में लिखेगा दो दे आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज दे आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज दे आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज दो तरीके की कंपनीज होती हैं। मालूम है आपको आप अब देखो ये आप सेकंड ग्रुप में हो और यह मैं प्रज्यूम करके चल रहा हूँ और ये करना पड़ेगा क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कंपनी लो आता है आता है ना थोड़ा बहुत कंपनी हाँ जी अब थोड़ा अब यहाँ पे मैं कंपनी लो पढ़ाने बैठ गया तो फिर सिक्योरिटी लोग उन पढ़ाएगा <laughs> थोड़ा बहुत कंपनी लो मतलब 10 20 परसेंट कुछ तो आता ही होगा यार ऐसी बात नहीं है तो दो तरीके की कंपनी होती है अब सबको पता है एक होती है प्राइवेट कंपनी एक होती है पब्लिक कंपनी एवरीबडी नो दैट एक होती है प्राइवेट कंपनी एक होती है पब्लिक कंपनी कुछ बात समझ में आ रही है वेरी गुड और कोई बताएगा मुझे क्लास में प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा होता है टू क्लोज सिक्सटी बेटा सेक्शन हमेशा याद रखेंगे पब्लिक कंपनी का सेक्शन टू क्लोज सेवेंटी सेक्शन याद होना चाहिए जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सेक्शन याद करने की जूत नहीं है तो डफर हैं वो लोग सेक्शन याद होने ही चाहिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी और क्या आप लोगों को पता है कि पब्लिक कंपनी चाहे तो हाँ जी अपने शेयर इशू कर सकती है हाँ जी बाय वे ऑफ पब्लिक इशू पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है अभी के लिए इतना समझ लीजिए वैसे तो जब मैं आपको बताऊंगा ना कि पब्लिक इशू होता क्या है तो तकरीबन 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 आप मान के चलो पूरी एक क्लास लग जाएगी यस yes, बिल्कुल सही सुना आपने जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पब्लिक इशू होता क्या डिटेल में तो पूरी एक क्लास लगा दूंगा अभी के लिए आप समझ लो इतना कि पब्लिक इशू का मतलब कि तुम पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हो आर यू गेटिंग यू आर इनवाइटिंग एंटायर एंटायर पब्लिक पूरे देश को बुला रहे हो कोई भी हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो दैट इज कॉल्ड पब्लिक इशू और प्राइवेट कंपनी क्योंकि क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है अच्छा पता है आपको पब्लिक कंपनी को वाइडली हेल्ड कंपनी भी बोला जाता है वाइडली हेल्ड कंपनी और प्राइवेट कंपनी को बोला जाता है क्लोजली हेल्ड कंपनी मालूम है दैट <coughs> संकेत yes, इसको closely held company भी बोला जाता है तो जो पब्लिक कंपनी है क्या वो पब्लिक इशू ला सकती है आंसर yes. और लिखेगा अब ध्यान से सुनिएगा की connectivity और यूज होने वाला है हर जगह ये क्या बोलता है एवरी कंपनी कोई भी कंपनी जो पब्लिक इशू लेकर आएगी कोई भी कंपनी जो क्या लेकर आएगी पब्लिक इशू लेकर आएगी तो व्हेनेवर अ कंपनी कम्स टू द पब्लिक इशू उसे इट इज मैंडेटरी सेक्शन 40 में लिखा हुआ बेटा इट इज मैंडेटरी कि उसे अपने शेयर्स या सिक्योरिटी लिस्ट करवानी पड़ेगी अच्छा कहाँ लिस्ट करवानी पड़ेगी जल्दी से बोलो ऑन द स्टॉक एक्सचेंज हाँ जी तो ये मैंडेटरी है ये ऑप्शनल नहीं है ये मैंडेटरी है और ये कहाँ लिखा है सेक्शन 40 सब सेक्शन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा है कि जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी वन एवर कंपनी कम्स विद अ पब्लिक इशू तो कंपनी को अपनी सिक्योरिटी क्या करवानी पड़ेगी इट इज़ मैंडेटरी उसे लिस्ट करवानी पड़ेगी इट इज़ मैंडेटरी उसे अपनी सिक्योरिटी क्या करवानी पड़ेगी बच्चों लिस्ट करवानी पड़ेगी और वो कंपनी विल बिकम अ लिस्टेड कंपनी दैट कंपनी विल बिकम लिस्टेड कंपनी और वो कंपनी क्या बन जाएगी लिस्टेड कंपनी इज इट ओके विद यू कोई बता सकता है लिस्टेड कंपनी के लिए कौन सा सेक्शन लगता है टू क्लोज फिफ्टी टू डील विदिस्टेड कंपनी सेक्शन लिखते रहिएगा और और आप आपको मतलब वेनेवरा कंपनी यानी एक चीज आज आज गार्ड बांध लीजिए जब भी कोई कंपनी जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी जब भी कंपनी क्या लेकर आएगी बेटा पब्लिक इशू लेकर आएगी वेनेवरा कंपनी कम से दम पब्लिक इशू का मतलब क्या वट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक इशू पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है कि आप पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हो आप कुछ लोगों को शेयर इशू नहीं कर रहे हो आप पूरी पब्लिक को पूरी जनता जनार्दन को शेयर इशू कर रहे हो दैट इज अ पब्लिक इशू तो दैट इज समथिंग कॉल्ड द पब्लिक इशू तो जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी तो उसे अपने शेयर क्या करवाने पड़ेंगे लिस्ट करवाने पड़ेंगे अच्छा बताओ जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी तो उसे अपने शेयर लिस्ट करवाने पड़ेंगे तो जल्दी से बता दो हाँ जी तो वो कंपनी क्या बन जाएगी लिस्टेड कंपनी आर यू गेटिंग दैट अच्छा लिस्ट करवाना मैंडेटरी ऑप्शनल है मैंडेटरी है आर यू गेटिंग दैट जब पब्लिक इशू ला रहे हो याद रखेगा

और लिस्टेड और अनलिस्टेड अब मैं बोलूँ अगर कंपनी अगर कंपनी लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज पे अच्छा स्टॉक एक्सचेंज लिखिएगा कैन बी से एन एस सी बी एस सी हाँ जी एक हो गया एन एक हो गया बी एस सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और और भी स्टॉक एक्सचेंज है वो बाद में बात करेंगे अभी के लिए इतना समझते रहो जो जो बता रहा हूँ तो आप मुझे बताओ जल्दी से कॉन्सेप्ट नंबर वन कंपनी हमारे देश में दो तरीके की वन इज लिस्टेड कंपनी और सेकेंड इज अनलिस्टेड कंपनी और मुझे बताओ जल्दी से लिस्टेड कंपनी कौन होती है जिसके शेयर कहाँ रजिस्टर्ड है जिसके शेयर कहाँ लिस्टेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी बोला जाता है और लिस्टेड कंपनी के लिए सेक्शन कौन सा लगता है टू क्लोज फिफ्टी एप्लीकेबल होते हैं तो दैट लिस्टेड कंपनी और जो कंपनी लिस्ट नहीं है जो कंपनी मान लो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है उसी को क्या बोला जाता है अनलिस्टेड कंपनी उसी को क्या बोला जाता है अनलिस्टेड कंपनी बात समझ में आ गई और मैं एक अप्रोक्सीमेटली डेटा आपको दे रहा हूं हमारे देश में <coughs> यानी मैं बोलना चाह रहा हूं हमारे देश में दो तरीके की कंपनी है एक अनलिस्टेड कंपनी है एक लिस्टेड कंपनी है और आपको पता होना चाहिए अप्रोक्सी अप्रोक्सीमेटली लिख लीजिएगा अप्रोक्सीमेटली हमारे देश में 12 लाख कंपनीज हैं आर है दैट और उसमें से 12 लाख कंपनी में से अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो अप्रोक्स डेटा बता रहा हूँ टेन के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टेन कंपनी ही लिस्टेड कंपनीज है ट और जो रिमेनिंग कंपनीज हैं दैट इज ग्यारह लाख नब्बे हजार अप्रोक्सीमेटली दिया था अनलिस्टेड कंपनीज तो हमारे देश में दैट इज अ डेटा आई वुड से लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि बड़ी सारी कंपनी जोमैटो का पब्लिक इशू आता है पेटीएम का आता है एल का आता है तो कंपनी लिस्टेड होती जा रही है लिस्टेड होती जा रही है और फ्यूचर के अंदर कंपनी और भी लिस्ट होंगी तो डेफिनेटली लिस्टिंग का मतलब यू नो काम बढ़ रहा है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है बट आज की डेट में एक अप्रोक्सीमेट डेटा मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग दैट तो दैट इज समथिंग दैट इज समथिंग द टू टाइप्स ऑफ कंपनी दैट वी आर हैविंग वन इज लिस्टेड कंपनी द सेकेंड वन इज दैट सेकेंड वन इज़ अनलिस्टेड कंपनी वर्षा आई थिंक सारी चीज़ क्लियर है और मैं एक एक चीज़ को छः छः बार भी रिपीट कर रहा हूँ तो अगर जो मैं लिख रहा हूँ अगर आप उसे ध्यान से सुन भी लेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा आई एम रिपीटिंग एवरी सिंगल वर्ड सिक्स टाइम और फाइव टाइम तो दैट्स नॉट अ बिग इशू अरे क्या नहीं तो थोड़ा फोकस करें समझ में जरूर आपको जो लिखा हुआ है वो भी समझ में आएगा और सारी चीज़ें पता चल जाएंगी

कॉन्सेप्ट नंबर टू लिखेगा हाउ द कंपनी गेट लिस्ट हाउ द कंपनी गेट लिस्ट अब कंपनी लिस्ट होती कैसे हाउ द कंपनी गेट लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ द कंपनी गेट लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज अब बेटा कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी कैसे दैट इज अग क्वेश्चन कोई बताएगा मुझे आई एम वेटिंग फॉर यूर आंसर अब कंपनी अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया हमारे देश में दो तरीके की कंपनी एक एक अनलिस्टेड कंपनी एक लिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी वो है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है हाँ जी स्टॉक एक्सचेंज बोले तो एन एस और सर हमारे जो सिक्योरिटी लॉज है जो हम ये paper, इस पेपर में पढ़ेंगे दैट इज़ वो लिस्टेड कंपनी पे लगेंगे अब एक सवाल मैंने पूछा आपसे कि भाई ये बताओ कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कैसे होती है हाउ द कंपनी गेट लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ बिग क्वेश्चन अब कंपनी अपने आप तो अपने आप तो कंपनी लिस्ट होनी जाएगी हाँ जी कंपनी कैसे लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज में दैट इज कॉन्सेप्ट तो लिखिएगा दो मेथड है लिस्ट होने के बेटा दो मेथड्स होते हैं लिस्ट होने के दो मेथड होते, होते हैं अब ध्यान से सुनिएगा अब वो लिस्ट होने के दो मेथड क्या है मेथड वन मेथड टू लिखो जब भी कोई कंपनी जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी और पब्लिक इशू का मतलब क्या कि आप पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हो तो जब भी कंपनी बेटा पब्लिक इशू और मैं बता चुका हूं पब्लिक इशू का मतलब हम डिस्कस करेंगे पूरी एक क्लास लगाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक इशू आर गेटिंग लेकिन अभी हम पब्लिक इशू का मतलब इतना समझेंगे कि पब्लिक इशू का मतलब आप पब्लिक को पूरी इंडिया को शेयर इशू कर रहे हो कि आप कोई भी आके हमारा शेयर खरीद लो दैट इज अ पब्लिक इशू तो बेटा जब भी कोई कंपनी जब भी कोई कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है पब्लिक लेकर आती है, तो सर सेक्शन फोर्टी देता, देता है क्या मेंडेटरी करता है स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को अपने शेयर और बिल्कुल सही बोला अभी ना कंपनी कभी लिस्ट नहीं होती बस कंपनी का शेयर लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज <coughs> दैट तो कंपनी कंपनी कभी लिस्ट नहीं होती ऑलवेज रिमेंबर हमेशा का क्या होता है कंपनी का शेयर या कंपनी की सिक्योरिटी लिस्ट होती है और स्टेटस मिल जाता है कंपनी को कि कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी तो कंपनी लिस्ट नहीं होती कंपनी का शेयर लिस्ट होता है तो कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है तो वेनेवरा कंपनी कम द पब्लिक इशू तो सेक्शन फोर्टी कि आपको अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर क्या कराना पड़ेगा लिस्ट कराना पड़ेगा और कंपनी विल बिकम बट द लिस्टेड कंपनी

तो ये तीनों क्या लेकर आए आप मुझे बताओ पब्लिक इशू लेकर आए आप सबने सुना होगा पब्लिक इशू लेकर आए और पब्लिक इशू लाने के बाद सेक्शन 40 सब सेक्शन वन इनके ऊपर लग गया और उसकी वजह से इनको अपने शेयर क्या लग करवाने पड़ गए लिस्ट तो इन सबकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई और ये कंपनी आज की डेट में क्या कहलाई जाती है दिस कंपनी बिकम अ लिस्टेड कंपनी और इसी को क्या नाम दिया जाता है डायरेक्ट लिस्टिंग इसी कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया जाता है दैट इज अ डायरेक्ट लिस्टिंग आर यू गेटिंग दैट और लिखेगा एक कॉन्सेप्ट नंबर टू होता है अब एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा यहां पे दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लिस्टिंग इसको एक नाम दिया जाता है डायरेक्ट लिस्टिंग अब कॉन्सेप्ट नंबर टू समझिएगा ध्यान से सुनिएगा अब एक कंपनी है मान लीजिएगा एक्स लिमिटेड और ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है हो सकता है जल्दी बताओ क्या ऐसा हो सकता है दिस इज अ ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी क्या ऐसा हो सकता है <coughs> एक कंपनी ऑलरेडी एक्स लिमिटेड है लिस्टेड कंपनी है क्या ऐसा हो सकता है हाँ या ना येस yes. और एक कंपनी वाई लिमिटेड है और ये अनलिस्टेड कंपनी है क्या ऐसा हो सकता है यस yes. ये एक लिस्टेड कंपनी है ये अनलिस्टेड कंपनी है आर गेटिंग दैट अब ध्यान से सुनिएगा दो कंपनी मेरे पास एक है एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड है आपने ना कंपनी लो में बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कंपनी लो में बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मर्जर अमल गमेशन अच्छा क्या ऐसा हो सकता है ये लिस्टेड कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी में मर्जर कर ले मर्जर अमल गमेशन मर्जर कर ले और अगर आपको नहीं पता तो लिख ले अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होती है तो सेक्शन 230 और 232 लगता है कंपनीज एक्ट का नहीं पता तो लिख लीजिए प्लीज अब आप मुझे बताओ अगर एक लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी बेटा जो लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी मैंने क्या बोला जो एक ऑलरेडी क्या बेटा एक जो लिस्टेड कंपनी है एक कंपनी है जो ऑलरेडी क्या है एक कंपनी है बेटा जो ऑलरेडी क्या है बेटा लिस्टेड कंपनी है अगर वो लिस्टेड कंपनी मर्ज हो जाए किसमें एक अनलिस्टेड कंपनी में तो याद रखिएगा जो ये अनलिस्टेड कंपनी है इसे भी अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ जाएगा एंड द वाई लिमिटेड विल ऑल्सो बिकम अ लिस्टेड कंपनी अब आप मुझे बताओ यहाँ पे हुआ क्या क्या यहाँ पर वाई लिमिटेड पब्लिक इशू लाई नो यहाँ पे वाई लिमिटेड पब्लिक इशू नहीं ला रही है लेकिन यहाँ पे एक लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी में मर्ज हो रही है तो सर वाई लिमिटेड भी लिस्ट हो जाएगी इसी को नाम दिया जाएगा बैकडोर लिस्टिंग इसी को क्या नाम दे दिया जाएगा बोलो बैक डोर लिस्टिंग दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैकडोर लिस्टिंग वन इज द डायरेक्ट लिस्टिंग पहला कॉन्सेप्ट क्या था डायरेक्ट लिस्टिंग और दूसरा था बैकडोर मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है दोनों में फर्क क्या आप मुझे बता दो जल्दी से पहले केस में कंपनी अगर पब्लिक इशू लेकर आ रही है तो उसका शेयर लिस्ट होगा दैट इज कॉल्ड बट डायरेक्ट लिस्टिंग दूसरे केस में कंपनी पब्लिक इशू नहीं लेकर आई एक बेटा ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी में मर्ज हो गई तो लिस्टेड कंपनी जब अनलिस्टेड कंपनी में मर्ज हुई तो यह अनलिस्टेड कंपनी को भी अपने आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी आपके अंदर मर्ज हो रही है कंबाइन हो रही है तो दिस कंपनी विल ऑल्सो बिकम अ लिस्टेड कंपनी तो क्या मैं बोलूँ वाई लिमिटेड बिकम लिस्टेड विदाउट पब्लिक इशू और ये इसी कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया जाता है बैकडोर लिस्टिंग यानी लिस्टिंग कराने के भी दो तरीके हो गए वन इज डायरेक्ट लिस्टिंग एंड सेकेंड बैकडोर लिस्टिंग मुझे जल्दी से ये बता दो ये दोनों तरीके की लिस्टिंग समझ में आई या नहीं आई एवरीबडी यस मुस्कान अभिनव तैयब साहिल जी वर्षा हां अंकित एवरीबडी मी नो क्या आपको सारी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मुझे बताओ हम पेपर क्या पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट और इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप क्या पढ़ोगे मुझे बताओ मुझे बताओ पहले मैंने क्या बोला पहला कॉन्सेप्ट क्या सिखाया दो तरीके की कंपनी होती है बेटा एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड लिस्टेड वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है फिर मैंने बोला भाई कंपनी अपने आप थोड़ी ना लिस्ट हो जाएगी लिस्ट कराने के दो तरीके या तो तुम पब्लिक इश्यू ले आओ या तो तुम क्या ले आओ पब्लिक इशू ले आओ अगर बेटा तुम पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो इफ यू कमिंग विद अ पब्लिक इशू अगर आप क्या लेकर आ रहे हो बोलो अगर बेटा आप पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो तो उसे बोला जाएगा डायरेक्ट लिस्टिंग और अगर आप बिना पब्लिक इशू के लिस्ट हो रहे हो मर्जर अमलगमेशन हो रहा है तो सर इट इज कॉल्ड अ बैकडोर लिस्टिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कैन अ कंपनी गेट लिस्ट ऑन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज विदाउट पब्लिक इशू आंसर क्या है बैकडोर लिस्टिंग यस पॉसिबल है

और लिस्टेड कंपनी जो है आप मुझे बताओ जो लिस्टेड कंपनी है जो बेटा लिस्टेड कंपनी है उसके लिए सेक्शन क्या है टू क्लोज फिफ्टी टू और इसी लिस्टेड कंपनी पे क्या लगेंगे सिक्योरिटी लॉस अब जिस कंपनी पे अच्छा याद है आपको हेलो क्या आपको याद है जब कंपनी लोग पढ़ाया था तो मैंने बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी और कंपनी पे लगता है कंपनी लो आज क्या बढ़ा रहा हूँ सिक्योरिटी लो एंड सिक्योरिटी लो किस पे लगता है लिस्टेड कंपनी पे इसलिए तो बता रहा हूँ लिस्टिंग कैसे होती है कहाँ कहाँ होती है किस किस प्रकार से होती है क्या सारी चीज़ें जानना जरूरी है येस और नो येस अच्छा एक बात क्लियर हो गई है कि कंपनी अच्छा बैकडोर लिस्टिंग कम होती है लेकिन जब भी लिस्टिंग होती है तो कंपनी पब्लिक इशू के थ्रू करती है तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी लिखना बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर थ्री बेटा लिखना जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी तब कंपनी को अपना शेयर लिस्ट करवाना पड़ेगा अच्छा एक बात बताओ ओ प्यारो एक सवाल का जवाब दो जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाएगी तो आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा इज इट मैंडेटरी या ऑप्शनल जवाब दो जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी तो आपको अपना शेयर लिस्ट कराना पड़ेगा हां जी वेन कंपनी कौन से पब्लिक इशू तो आपको अपना शेयर लिस्ट करवाना पड़ेगा ये मैंडेटरी है या ये ऑप्शनल है ये बात मैंडेटरी है या ऑप्शनल है जल्दी बोलो भाई देखा ऐसे ड्रामे मत क्या करो तुम जवाब दो मुझे वैन एवर पब्लिक इशू तो आपको शेयर लिस्ट करवाना पड़ेगा ये बात मैंडेटरी हुई या ऑप्शनल हुई सारे कह रहे हैं सर मैंडेटरी है तो हमें आपने बताया हु टोल्ड यू ये मैंडेटरी है ये बात आपको किसने बोला ये मैंडेटरी है ये भी बता दो जरा

ये सेक्शन फोर्टी सब सेक्शन वन ने बोला है कि जब भी तुम पब्लिक इशू लाओगे इट इज़ मैंडेटरी कि आपको अपना शेयर लिस्ट कराना पड़ेगा ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई लो में लिखा है एज पर अनूप जैन मत लिख देना जीरो हो जाएगा रिगार दैट ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है सब लो में लिखा हुआ है लो कहता है तो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा अब जो पब्लिक इशू है अब ध्यान से सुनिएगा अब ध्यान से सुनिएगा पब्लिक इशू अब मेरा एक सवाल आपसे ये है ये कंपनी एक्स लिमिटेड है ये कंपनी एक्स लिमिटेड है अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कॉन्सेप्ट नंबर थ्री मेरा एक सवाल है बेटा प्लीज जवाब दे देना मजा आ जाएगा दिल खुश हो जाएगा जवाब दे देना एक्स लिमिटेड यार सही से जवाब दे देना प्लीज हाँ इतनी मेहनत करिए एक घंटा हो गया अगर तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया ना तो मजा नहीं आएगा ठीक है ये कंपनी एक्स लिमिटेड आज तक कभी भी पब्लिक इशू नहीं लाई ओ भाई साहब ये कंपनी बेटा आज तक कभी भी पब्लिक इशू नहीं लाई कभी नहीं लाई आज तक नहीं लाई हो सकता है यस yes सर तो मुझे बताओ ये जो एक्स लिमिटेड आज तक पब्लिक इशू नहीं लाई तो आज की डेट में एक्स लिमिटेड का स्टेटस क्या है इज इट अ लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी ये सवाल का जवाब दे दो बात खत्म हो गई मेरे सवालों का जवाब दो इसका जवाब नहीं दोगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे बोलो ना प्लीज़

जनरली स्पीकिंग कंपनी क्या है दैट इज अनलिस्टेड कंपनी नाउ इज इट ओके वेरी गुड मनीष वेरी गुड वेरी गुड गाइज नाउ वेरी गुड आंसर अब कंपनी यहां पर बेटा फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार पहली पहली, पहली बार जब कंपनी पब्लिक इशू लाती है हाँ जी यहां पर कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है फॉर द फर्स्ट टाइम पहली पहली बार मेरा सवाल है अब कंपनी पहली बार पब्लिक इशू ला रही है कंपनी कमिंग विद द पब्लिक इशू फॉर द फर्स्ट टाइम और लिखेगा जब कंपनी पहली पहली बार पब्लिक इशू लेकर आती है तो उस पब्लिक इशू का नाम दिया जाता है आईपीओ आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको नहीं पता सब लिखते रहेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर सर पहली पहली बार जब कंपनी पब्लिक इशू लाती है उसी को क्या नाम दिया जाता है आईपीओ अब आप मुझे बताओ जल्दी से अब कंपनी बेटा आईपीओ ले आई है अब आईपीओ ले आई है तो क्या कंपनी यहां पे लिस्ट हो जाएगी क्या आंसर इज यस कंपनी को अपने यहां पे शेयर क्या करवाने पड़ेंगे लिस्ट आर रिगार्डिंग दैट यस अच्छा क्या कंपनी पब्लिक इशू ले आई है पैसा बहुत सारा आ गया है क्या फ्यूचर में कंपनी को और भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है दस साल बाद पंद्रह साल बाद क्या कंपनी आईपीओ लाने के बाद दोबारा अगेन पब्लिक इशू ला सकती है सेकेंड टाइम पब्लिक इशू बोलो क्या कंपनी सेकंड टाइम पब्लिक इशू ला सकती है क्या मेरा सवालों के जवाब दो हाँ या ना यस yes, सर और अगर कंपनी सेकंड टाइम बेटा पब्लिक इशू लाएगी तो उसको नाम दिया जाएगा एफपीओ एफपीओ बोले तो फर्दर पब्लिक देखो मैं तो ये प्रज्यूम करके चलता हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल

तीसरी बार भी पब्लिक ला सकती है क्या यस <coughs> yes, अभी ना. That? तीसरी बार भी क्या कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है क्या आंसर इज यस तो याद रखेगा पहली बार पब्लिक इशू लाएंगे तो आईपीओ दूसरी तीसरी चौथी दसवीं बार जब भी पब्लिक इश्यू लाएंगे तो उसे एफपीओ ही बोला जाएगा और उसे भी वहां पर भी आपको अपने शेयर क्या करवाने पड़ेंगे लिस्ट करवाने पड़ेंगे

आई पी आ, नाय, नायका पेटीएम जोमेटो ये क्या थे आई पी ओ इनिशियल पब्लिक ऑफ़र पहली पहली बार जब पब्लिक इशू आता है आई पी ओ उसके बाद जब आता है एफ पी ओ मुझे बताओ जल्दी से और क्या जब जब कंपनी जब जब कंपनी पब्लिक इशू लाएगी तो क्या लिस्ट करवाना पड़ेगा ये एस एंड कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाती है दैट इज द कॉन्सेप्ट नंबर थ्री मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया दो तरीके की कंपनी होती है एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड बोलो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया कि कंपनी डायरेक्ट लिस्टिंग भी हो सकती है बैकडोर लिस्टिंग भी हो सकती है डायरेक्ट लिस्टिंग में क्या बताया भाई डायरेक्ट डायरेक्ट लिस्टिंग लिस्टिंग में में क्या बताया? <coughs> में क्या बताया बताया कि आप पब्लिक इशू लाओगे तो आप लिस्ट हो जाओगे और फिर मैंने बोला पब्लिक इशू भी दो तरीके के होते हैं वन इज आई पी ओ एंड सेकेंड इज एफ पी ओ आई थिंक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों ने शायद पहले भी ये पढ़ रखे होंगे लेकिन सर वैन एवर आई स्टार्टअपेपर तो मैं प्रज्यूम करके चलता हूँ बच्चा जीरो लेवल पे हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच आपको आता था पहले नहीं आता था आई मुझे उससे मतलब नहीं है वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल मुझे बताओ जल्दी से क्या तीन कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आ गए हैं मजा आएगा जब ये बेसिक स्ट्रोंग होंगे ना इतना बेसिक आपका स्ट्रोंग कर दूंगा ना लोग जब पढ़ोगे कहोगे यार क्या लड्डू है मजा आ गया आप देख सर

जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूँ वो याद भी होने चाहिए भूलना नहीं है उसे एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा ध्यान से सुनिएगा इस वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक है अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है समझते हैं सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे काम आएगा और एक चीज बता दो भाई मेरी बात सुन लो क्लियर मैंने जो कॉन्सेप्ट बता दिया मैं रिपीट नहीं करूंगा फिर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने आर गेटिंग और मैं चाहूंगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट बता दू याद रहे ताकि मैं आगे आने वाले कॉन्सेप्ट के साथ फिर कनेक्ट कर पाऊं ये सारी चीजें आगे कनेक्ट हो जाएंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है तो लिखेगा नंबर ऑफ शेयर इंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर अच्छा एक बात बताओ अगर मान लो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड और वो लिस्टेड है वो लिस्टेड है एनएससी पे तो क्या एन पे उसका शेयर एक शेयर का प्राइस आ रहा होगा कि एक शेयर किस रेट पर है हाँ या ना यस तो क्या स्टॉक एक्सचेंज पे जब उसका शेयर ट्रेड हो रहा होगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि रिलायंस का एक शेयर किस रेट पे है या टाटा का एक शेयर किस रेट पे है हाँ या ना यस सर तो याद रखिएगा अब मैं प्रज्यूम कर रहा हूं मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड है और वो लिस्टेड कंपनी है प्रज्यूम कर रहे हैं वो कंपनी क्या है लिस्टेड कंपनी है आप समझो मेरी बात और मान लीजिएगा ये ये जो एक्स लिमिटेड है मान लीजिएगा जो ये एक्स लिमिटेड है मान लीजिएगा जो ये एक्स लिमिटेड है उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स है मान लीजिएगा एक करोड़ शेयर है उसने कंपनी ने टोटल एक करोड़ शेयर इशू किए हैं और एन पे यानी स्टॉक एक्सचेंज पे उसके एक शेयर का प्राइस दस है स्टॉक एक्सचेंज पे एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है दस है तो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसी को क्या नाम दिया जाएगा मार्केट कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या नाम दिया जाएगा इसको इसको जल्दी बोलो क्या नाम दिया जाएगा इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन अब आप मुझे बताओ जल्दी से एक करोड़ है कंपनी के, और एक का दस रुपए है तो कोई बताएगा मुझे एक्स लिमिटेड की मार्केट कैप कितनी हो गई दस करोड़ दैट इज़ अ मार्केट कैप ऑफ अ एक्स लिमिटेड दैट इज दस करोड़ रुपए मेरी बात समझ में आ गई मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और आपका मार्केट प्राइस एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उसी को क्या नाम दिया जाता है मार्केट कैप आगे जाके मैं आपको बोलूंगा मार्केट कैप तो आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या बोला मुझे बताओ क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आ रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है बेटा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज इट क्लियर आई माई क्लियर टू यू हाँ या ना तो दिस इज कॉल्ड मार्केट अच्छा एक बात बताओ एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में सुनना जरा स्टॉक एक्सचेंज में हर कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो सेम होता होगा या अलग अलग होता होगा ये बताओ। स्टॉक पे कंपनी का शेयर, रिलायंस, इंफोसिस विप्रो एम हर कंपनी का शेयर एक ही रहता होगा दस रुपए का, का प्राइस अलग अलग होता होगा ये बताओ जल्दी बताओ स्टॉक <coughs> एक्सचेंज पर स्टॉक एक्सचेंज पर एन बीएससी पर मेरा सवाल है हर कंपनी का जो शेयर का प्राइस है मार्केट प्राइस जो है स्टॉक एक्सचेंज पे वो अलग अलग रहता होगा या सेम रहता होगा डेफिनेटली बट ओ है अलग अलग क्या हर कंपनी का शेयर का प्राइस अलग अलग रहता होगा तो मैं ये कह रहा हूँ मैं ये पूछना चाहता हूँ हर कंपनी की एवरी कंपनी जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है मेरा सवाल है उनकी मार्केट कैप सेम होती होगी या अलग अलग होती होगी अच्छा मार्केट कैप का मतलब ही क्या है नंबर ऑफ शेयर इनटू द मार्केट प्राइस तो जब मार्केट प्राइस अलग है तो मेरा सवाल ये है हर कंपनी की मार्केट कैप आप मुझे बताओ सेम होती होगी या अलग अलग होती होगी तो बेटा हर लिस्टेड कंपनी का शेयर का प्राइस भी अलग अलग रहता है तो क्योंकि उसका शेयर का प्राइस अलग अलग रहता है तो हर कंपनी की मार्केट कैप भी अलग अलग होती है दैट इज अ मार्केट कैप आर यू गेटिंग दैट और सर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक कंपनी की मार्केट कैप कितनी है ये मतलब एक कंपनी की मार्केट कैप कितनी है हाँ जी एक कंपनी कितनी बड़ी है ये उसकी मार्केट कैप से नापा जाता है जिस कंपनी की जितनी ज्यादा बड़ी मार्केट कैप वो उतनी बड़ी कंपनी मानी जाती है इट्स द मार्केट कैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर तो जिस कंपनी की जितनी ज्यादा मार्केट कैप होगी वो कंपनी उतनी बड़ी कंपनी मानी जाएगी क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो याद रखेगा स्टॉक एक्सचेंज में हर कंपनी का शेयर का प्राइस अलग अलग होता है और स्टॉक एक्सचेंज में हर कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है बेटा वो भी अलग अलग होता है क्या इतनी बात समझ में आ रही है इसी को मार्केट कैप बोला जाता है अच्छा क्या आज आज की डेट में अगर हम बात करें क्या आपको पता है रिलायंस की मार्केट कैप आज कितनी है हाँ जी अगर हम बात करें मार्केट कैप की बात कर रहे हैं एक बार देखें बोलो एक बार देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हाँ जी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इसकी मार्केट कैप कितनी है प्रैक्टिकली देखें एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केट कैप कितनी है देखते हैं चलो देखिए एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल मनी कंट्रोल डॉट कॉम और इसके ऊपर आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर का प्राइस आपके सामने दिख रहा है और इसकी अगर हम मार्केट कैप देखे अब देखो दिख रहा है आपको अगर यहाँ पे ये दिख रहा है आपको मार्केट कैप लिखा हुआ है और ये जो लिखा अगर आपको दिख रहा है जरा सा मार्केट कैप इन करोड़ ये देखो आप मनी कंट्रोल पे ये यहाँ पे जो मैंने एरो लगाई हुई है दिख रहा है 1778030 दिख रहा है आपको तो कितना हो गया ये वन 10000 थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख दस लाख ओ माई गॉड वेरी गुड अभिनव तो लिखा हुआ है सत्रह लाख सत्रह लाख अठहत्तर हजार ओ माई गॉड तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली चेंज होती रहती है चेंज होती रहती है क्योंकि शेयर का प्राइस डायनेमिकली चेंज होता रहता है तो ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स है रिगार्डिंग दैट तो क्या लिखा हुआ है सत्रह लाख अप्रोक्सीमेट जी सत्रह लाख अठहत्तर हजार अप्रोक्सीमेट दैट इज अ मार्केट कैप आर गेटिंग एंड दिस अमाउंट इज इन करोड़ तो क्या मैं बोलूँ अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं मैं अगर अपने शब्दों में बोलूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केट कैप है अट्ठारह लाख करोड़ क्योंकि अमाउंट इन करोड़ है अगर आप ध्यान से देखेंगे अमाउंट इन करोड़ है तो सर कैन वी से अप्रोक्सीमेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब सांस फूल जाता है बोलने में मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केट कैप कितनी है अट्ठारह लाख करोड़

अट्ठारह लाख करोड़ और अगर आप ये बोलते हो सुनो मेरी बात अगर तुम ये बोलते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुझे जॉब करनी है यू वांट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस तो तुम कौन सी कंपनी में काम करने की बात कर रहे हो जिसकी मार्केट कैप कितनी है अट्ठारह लाख करोड़ इट्स नॉट अ जॉक और क्या इतनी ह्यूमंगस कंपनी में काम करने के लिए आपका नॉलेज लेवल देखिए कितना जबरदस्त होना चाहिए और क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर सारे सिक्योरिटी लोन्स लगते होंगे और आप मुझे बताओ रिलायंस इतनी हिमंगस कंपनी है उसके ऊपर बेटा सारे सिक्योरिटी लोन एप्लीकेबल होते होंगे और अगर यह कंपनी सिक्योरिटी लॉ कंप्लाई ना करे तो क्या कंपनी आप मुझे बताओ मुश्किल में पड़ सकती है और यह सारे सिक्योरिटी लॉ आप मुझे बताओ कौन कंप्लाई करता होगा कंपनी के अंदर द वन एंड ओनली द कंपनी सेक्रेटरी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस द वन एंड ओनली द कंपनी सेक्रेटरी और किसी के बस की बात नहीं है कि ये सिक्योरिटी लो कंप्लाई करे पूरे हिंदुस्तान में एक ही प्रोफेशनल ऐसा है दैट इज द कंपनी सेक्रेटरी हु कैन कंप्लाई ऑल दिस लॉज और किसी के बस की बात नहीं है ये 18 लाख करोड़ की कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी ये सारे लोग अगर कंप्लाई करेगा तो मैं आपको बता दूं आपकी सैलरी भी मुंह मांगी होगी और आपकी सैलरी है ना करोड़ों में होगी करोड़ों में <coughs> बात समझ में आ रही है और आप खुद बताओ अगर तुम रिलायंस के कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ द मेन कंपनी सेक्रेटरी और तुम ये सारे सिक्योरिटी अच्छे से कंप्लाई कर पा रहे हो तो आपकी सैलरी भी लाखों में तो नहीं होगी यार हाँ जी यू विल चार्ज इन करोड्स यू विल चार्ज इन करोड्स समझ में आ रहा है और सच में और मैं बता भी दू आपको कि यस ये जो टॉप लिस्टेड कंपनी होती है इनकी सैलरी करोड़ों में ही होती है यू नो तीन करोड़ का पैकेज चार करोड़ का पैकेज पाँच करोड़ का पैकेज छः करोड़ का पैकेज यस यू हर्ड इट राइट आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं तो यस बट आप मुझे बताओ आप अब मैं आपसे आपसे एक सवाल पूछता हूँ सोच के देखिएगा क्या इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए आपका लेवल ऑफ नॉलेज भी उतना ही होना चाहिए हाँ या ना आज की डेट में द स्टूडेंट्स आर रनिंग बस मैं पास हो जाऊँ मैं कह रहा हूँ बेटा पास हो गए और नॉलेज नहीं होगी ना तो तुम्हारे हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे इससे बेटर है पास ही मत हो सीएस बनने के बाद अगर कुछ नॉलेज ही नहीं होगी कुछ आता जाता ही नहीं होगा तो जिंदगी बर्बाद करके बैठ जाओगे लेकिन आज की डेट में मैं देखता हूँ लोग सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहते हैं पास नॉलेज से दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं है और अगर आप इस इस दौड़ में भागेंगे और इसी भाग दौड़ में रहेंगे तो मैं आपको बता दूं दू आप करियर खराब कर लेंगे और जो नॉलेज इस टाइम मिल सकती है वो फिर आपको कभी नहीं मिलेगी कोई नहीं सिखाएगा बाद में आपको कि क्या होता है कैसे होता है बिलीव मी दैट आर यू गेटिंग तो अपनी नॉलेज पे काम कीजिए और मैं एक हमेशा एक लाइन बोलता हूँ योर सैलरी विल नेवर एक्सीड यूर नॉलेज आपका जो सैलरी होगी आपकी जो इनकम होगी वो आपकी नॉलेज को कभी एक्सीड नहीं करेगी इसलिए नॉलेज पर काम करो इनकम अपने आप बढ़ेगी ऑलवेज रिमाइंड दीज वर्ड्स दैट इज द यू नो दैट द मार्केट कैप होप यू अंडरस्टैंड एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको टी सी एस टी सी एस देखिए और अगर आप देखें तकरीबन टी सी एस की मार्केट कैप अगर देखेंगे बारह लाख करोड़ टी सी एस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस बारह लाख करोड़ रुपये क्या मेरी बात समझ में आ रही है दैट इज ट्वेल्व लाख करोड़ रुपीज क्या बात समझ में आ रही है बारह लाख करोड़ रुपए तो हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं और मैं आपको बता दूं एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको दैट इज <coughs> एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको यहीं पे जो रिलायंस है रिलायंस की जो मार्केट कैप है रिलायंस की जो मार्केट कैप है इज मोर देन गुड मॉर्निंग जीनस रिलायंस की जो मार्केट कैप है इज मोर देन इज मोर देन ऑल कंपनीज पुट टुगेदर ऑल कंपनीज मार्केट कैप पुट टुगेदर ऑफ ऑफ कराची स्टॉक एक्सचेंज हाँ जी पाकिस्तान में एक स्टॉक एक्सचेंज है कराची स्टॉक एक्सचेंज और कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज की मार्केट कैप मिला दोगे तो रिलायंस की मार्केट कैप इज मोर देन दैट तो ह्यूमंगस कंपनी है ह्यूमंगस कंपनी है रिलायंस पेपर में मत लिख देना बस ऐसे बता दिया तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट कैप बात समझ में आ गई हाँ जी क्या बात समझ में आ रही है इज दैट ओके अच्छा एक बात एक कॉन्सेप्ट और लिखेगा दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर फाइव एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा एक चीज और बताना चाह रहा हूँ अच्छा एक बात बताओ मार्केट कैप जो होती है जो मार्केट कैप होती है कैट रिमेन कॉन्स्टेंट इट रिमेन कॉन्स्टेंट और कीप ऑन चेंजिंग हां जी तो याद रखिएगा मार्केट कैप चेंज होती रहती है मार्केट कैप चेंज होते होती रहती है बेटा इट कीप ऑन चेंजिंग मार्केट कैप चेंज होती रहती है कीप ऑन चेंजिंग इट नेवर रिमेन कॉन्स्टेंट वो चेंज होती रहती है मार्केट कैप अच्छा क्या आपने अभी ऐसा सुना है कभी कभी ऐसा सुना आपने कि दट इज मुकेश अंबानी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया सुना आपने ऐसा कभी मुकेश अंबानी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया या आपने सुना कभी रिलायंस इंडिया की नंबर वन कंपनी बन गई या आपने ऐसा सुना कभी एमेजोन एमेजोन सुना कभी ऐसा वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बन गई सुना आपने अच्छा कभी ऐसा सुना है बिल गेट्स वर्ल्ड का नंबर वन रिचेस्ट पर्सन बन गया वर्ल्ड का नंबर वन रिचेस्ट पर्सन बन गया कभी सुना ऐसे ऐसे शब्द या फिर कभी अभी रिसेंटली शायद ऐसा सुना हो जेफ बेजोस जेफ बेजोस वर्ल्ड का नंबर वन रिचेस्ट पर्सन बन गया सुना आपने ऐसा

डेफिनेटली ये लोग भी रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में और कंपनी भी बड़ी कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है जब मार्केट कैप गिरती है तो ये भी गिर जाते हैं तो ये सारी कहानी मार्केट कैप की वजह से होती है समझ में आ रही है बात आपको <coughs> समझ में आ रही है बात आपको गेटिंग दैट और अगर आप देखें इसके अंदर दैट इज अगर आप देखें मतलब बड़ी सारी चीज़ें आगे भी बताऊँगा आपको बड़ी सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा अब आप देखो एम लिमिटेड फ लिमिटेड है और इसका एक शेयर देखो रियल टाइम में देख रहे हैं अभी मतलब आप देखो दैट इज अड़सठ हजार रुपए का एक शेयर है अड़सठ हजार रुपए का एम आर एफ का एक शेयर है अगर आप देख रहे हो आर एग इन दैट और इसकी मार्केट कैप उनतीस हजार करोड़ है और इसका एक शेयर किस रेट पर आ रहा है अड़सठ हजार पाँच सौ अब देखो चेंज होता जा रहा है फाइव फिफ्टी नाइन आ गया या वट एवर हाँ जी तो अड़सठ हजार रुपये का एक शेयर है अड़सठ हजार रुपए का एक शेयर है आर एगेट इन दैट बात समझ में आ रही है तो बड़ी सारी कंपनी है जिसका एक एक शेयर कितना ह्यूज अमाउंट का शेयर है रिगार्डिंग दैट और इसकी मार्केट कैप अभी अभी आप, आपको दिखाई कितनी आ रही है उनतीस हज़ार करोड़ समझ में आ रहा है आपको ये डेटा समझ में आ रहा है और अभी तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारा डेटा कैसे पढ़ा जाता है सब प्रैक्टिकली सिखाएंगे आपको डोंट वरी सारी चीज़ें सिखाएंगे आपको तो दैट इज़ आपके सामने दैट इज़ सिक्सटी एट थाउजेंड रुपीज़ साढ़े पाँच सौ पे वन शेयर दैट इज़ गिवन ओवर दियर आपके सामने है कुछ आ रही बात समझ में अच्छा ये तो दैट इज़ ये तो इंडिया की बात हो गई ये तो इंडिया की बात हो गई और से अगर हम बाहर की बात करें एप्पल एप्पल का देखते हैं एप्पल का एक शेयर किस रेट का चल रहा है अगर आ जाए तो इसको अगर गूगल पे अभी दिखाएगा तो देखते हैं वन थर्टी टू डॉलर एक सौ बत्तीस डॉलर एक सौ बत्तीस डॉलर का एक शेयर है और अगर आप देखें एक कंपनी और है बर्कशायर हैथवे आपको पता है बर्कशायर हेथवे किसकी कंपनी है क्या आपको पता है बर्कशायर हैथवे किसकी कंपनी है किसी को मालूम है बर्कशायर हैथवे किसकी कंपनी है हाँ जी बर्क शायर हैथवे वैरन बुफे की कंपनी है वेरी गुड लव वैरन बुफे एंड कैन वी से वो इंडिया में तो मैंने बता दिया कि देखो कौन सी कंपनी का कौन सा क्या शेयर का रेट चल रहा है और इसका और देख लेते हैं भाई कहाँ गया अब आने रह दे, चलो देखेंगे बाद में लेकिन मैं आपको बताऊं एक मैंने अभी <coughs> यस लेकिन मैं बताऊं बर्कशायर हैथवे अभी करंट प्राइस तो मैं आपको सर्च करके बता दूंगा लेकिन अभी एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब के लिए अगर वो वीडियो जरूर देखेगा यूट्यूब पे जाके उस टाइम पर आज का तो मैंने अभी देखा नहीं उस टाइम पर बर्कशायर हैथवे एक शेयर का प्राइस सवा तीन करोड़ रुपये था एक शेयर का प्राइस सवा तीन करोड़ रुपये इंडियन करेंसी के अंदर ह्यूज वैल्यू ह्यूज वैल्यू गेटिंग तो अलग अलग कंपनी का शेयर अलग अलग है एंड डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करेंगे इंटरनेशनल इंडियन मार्केट की भी बात करेंगे तो बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन लेकिन मुझे बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आज की क्लास में मैंने आपको सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट का मतलब बताया जल्दी से बताओ क्या आज के जो जो कॉन्सेप्ट है सबको अच्छे से समझ में आए ही नहीं आए आराम आराम से करेंगे जल्दी से बताओ क्या सारे कॉन्सेप्ट जो जो बताए हैं कॉन्सेप्ट वन टू थ्री फोर क्या सब समझ में आ गए या नहीं आ गए जल्दी बोलो एवरीबडी टेल मी प्लीज़ मेक इट फास्ट बोल दो जरा, इज इट ओके विद यू ठीक है कोई डाउट किसी प्रकार का अच्छे से क्लियर है चलो अब सुन लो एक चीज़ और बता दूँ एक चीज़ और सुन लो ध्यान से मैं बताना चाहता हूँ अब आपकी जो एम एफ में आपका एस एल सी एम की क्लास होगी बेटा आठ से साढ़े नौ मॉर्निंग में और टी टी एस के अंदर दैट इज आठ से साढ़े नौ कितने बजे क्लास रखी थी एक सेकेंड रुको आ हाह हाह से साढ़े बारह बारह से दो तो ग्यारह से क्या था रुको दो मिनट ग्यारह से साढ़े बारह और साढ़े बारह से दो टी टी के अंदर यानी कल आपकी क्लास कंप्लील होगी है अभी यूट्यूब पे होगी कुछ दिन क्लास और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे लेंगे और एस की क्लास होगी तो कल आपको आना है ग्यारह से साढ़े बारह कंपनी लो एस और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करवाने वाला हूँ यू विल इन्जॉय एंड होपफुली आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी लेकिन मेरी एक बात और सुन लो अगर आप लोग करना चाहें तो मोस्ट वेलकम ये बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ गया ठीक है आज हम लोग अभी ध्यान से सुन लेना <coughs> एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ ध्यान से सुन लेना अगर आप करना चाहते हो अभी जो मेरी नेक्स्ट क्लास है वो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की है और बेटा उस कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग फाइनल की क्लास है और इस क्लास में मैं आज टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ बाय बैक और मैं आपको बताना चाहता हूँ बाय बैक आपके सिक्योरिटी लॉ में भी कॉमन है तो सिक्योरिटी लॉ सी आप में बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक है सारा कॉन्टेंट सेम है तो एग्जीक्यूटिव में आपके बाईबैक है और फाइनल में भी बाय बैक है तो अगला टॉपिक मैं लाइव ऑन यूट्यूब आपको बाय बैक ही करवाने जा रहा हूँ तो अगर आप चाहें तो देखो कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा जितनी जल्दी कोर्स खत्म होगा उतना जल्दी मैं आपको रिविजन पर डाल दूंगा रिविजन करवाएंगे आपकी और टेस्ट सीरीज लेंगे तो मैं तो आपको यही बोलूंगा अगला जो टॉपिक है वो बिल्कुल एज इट इज बाई का टॉपिक है और वो सी, आ, सी आर में फाइनल में और एग्जीक्यूटिव में सेम है तो अगर आप अगर चाहें तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चाहें तो आ, जो अगली क्लास हो रही है सीआर में साढ़े नौ बजे स्टार्ट करूंगा पांच मिनट के बाद आप उसको भी अटेंड कर लेना आपका बायबैक भी साथ साथ कवर हो जाएगा बेसिक तो आपके स्टार्ट हो गए और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा डोंट वरी ऐसा मत सोचेगा लेवल का फर्क है सर जब टॉपिक सेम ही है तो उसमें क्या करना है हमें टॉपिक बिल्कुल सेम है बोलो ज्वाइन करोगे इसके बाद बायबैक ज्वाइन करोगे बोलो तो मैं पाँच मिनट में आ रहा हूँ साढ़े नौ बजे और आपके बायबैक की क्लास हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर ठीक है चलो और अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं फिर बाद में कर लेना आपकी मर्जी है मेरी तरफ से कोई फोर्सफुली नहीं है अगर आपके पास टाइम है और करना चाहते हो मैं तो चाह रहा हूँ कि कोर्स खत्म हो जाए जल्दी से गेटिंग दैट तो अगर आप अगली क्लास में बाई बैक सिक्योरिटी बिल्कुल सेम है सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो वो कर लोगे तो बेटर रहेगा नहीं भी करना चाहते आपकी मर्जी है मैं बाद में करा दूंगा और बोलो अलग से बाद में भी करवा दूंगा टेंशन मत लो लेकिन अगर आप अभी करोगे तो कोर्स आपका जल्दी खत्म होगा मुझे उसमें कोई फायदा नहीं है आपको फायदा है आर गेटिंग दैट चलिए सर तो आज की क्लास इतने रखते हैं और अब अगली क्लास कब होगी टाइमिंग मैंने आपको बता दी इस टाइमिंग को फोकस रखिएगा प्लीज हाँ जी ये टाइमिंग पे याद रखेगा और कल वाली क्लास 11 से साढ़े बारह यूट्यूब पर होगी कंपनी सेटिंग अप की प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है क्लास मिस नहीं करनी है 500 पेज का रजिस्टर बनाना है आज के लिए इतना ही एंड रेस्टर थैंक यू डिस्कस द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच गॉड बेस्ट योल साढ़े बजे आ रहा हूँ एक और क्लास लेकर दैट इज़ बाय बैक थैंक यू सो मच मिलते हैं थोड़ी सी देर